इसके जो है थर्ड पार्ट में आपको करवा रही हूँ, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है फोर की पावर है फाइव, फोर अपॉन है फाइव, फोर अपॉन फाइव, और उसके होल पे लगा हुआ है माइनस टू। आपका ये क्वेश्चन है फोर अपॉन फाइव और ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस टू, यानी कि पावर लगी हुई है माइनस टू। अब आपने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले पावर जो है वो नेगेटिव में है, उसको पॉजिटिव बनाना है। तो जब हम पावर को पॉजिटिव करेंगे तो हम ऐसा क्या करें जिससे पावर पॉजिटिव हो जाए? हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को ऊपर नीचे कर देना है। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है फोर और यहाँ पे लिखा हुआ है फाइव, तो हम फोर को नीचे ले आएंगे और फाइव को ऊपर ले जाएंगे। हम इसको इन्वर्स कर देंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है, वैल्यूज़ पलट देनी है, यानी फाइव नीचे तो ऊपर आ जाएगा, फोर ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, इस तरह से। और हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। नेगेटिव से चेंज हो के वो आ जाएगी पॉजिटिव में, ठीक है। अब यहाँ से तो आपको आता है फाइव के ऊपर पावर क्या लगी हुई है, फाइव के ऊपर पावर टू है, फोर के ऊपर पावर टू, फाइव फाइव दा, इस आपने इस फॉर्म में लिख दिया इसको एक्सप्लेन करके, फाइव फाइव दा ट्वेंटी फाइव, फोर फोर दा सिक्सटीन, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर फोर पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थ्री के आपने सेकंड और फोर पार्ट स्किप कर दें, फर्स्ट और थर्ड पार्ट आप लोगों को करने हैं जो मैंने करवाया आप, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर आप स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये वाला मैं आपको काम करवाऊंगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपने ये वाला काम करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको करवा दें, सही है। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस टू अपॉन थ्री, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पावर पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर हमने पावर लिखी थी इस तरह से, ये हमारा सवाल था। अब आपने यहाँ पर लगी हुई है ऑड पावर, जिसका मतलब है कि नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होगी। इवन पावर लगी हुई है, इसका मतलब है कि नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह से लिख लें, ठीक है। आपने इस तरह से करना है, पहले आपने इसको इस तरह से उतार लिया एज इट इज़, मल्टीप्लाई की साइन लगाई, यहाँ पर नेगेटिव साइन थी लेकिन यहाँ पे कौन सी पावर है, इवन पावर है। यहाँ पे ऑड पावर थी इसलिए मैंने माइनस की साइन ख़त्म नहीं करी, लेकिन यहाँ पे इवन पावर आ गई। इवन की पावर जब भी आती है हमारे पास बेस में अगर नेगेटिव लगा हुआ हो तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इवन पावर्स आपको पता है टू फाइव सिक्स, टू फोर सिक्स और एट होगी, और ऑड पावर होगी वो आपके पास थ्री फाइव सेवन नाइन, इस तरह से होगी। तो यहाँ पर आ गई ऑड पावर तो मैंने माइनस की साइन ख़त्म नहीं करी, यहाँ पर आ गई पॉजिटिव तो मैंने माइनस की साइन हटा दी, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, पहले टू की पावर थ्री, थ्री की पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री की पावर टू, टू की पावर टू। अब आप इसको इस तरह से एक्सपेंड कर दें कि टू के ऊपर पावर क्या लगी हुई है, थ्री, माइनस टू के ऊपर पावर क्या लगी हुई है, थ्री। इसका मतलब माइनस टू कितने टाइम्स है, थ्री टाइम्स है। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, थ्री के ऊपर पावर लगी हुई है थ्री, यानी कि थ्री कितने टाइम्स है, थ्री टाइम्स है। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, मल्टीप्लाई की साइन लगाई, थ्री के ऊपर पावर स्क्वायर, तो यानी कि कितना है टू, थ्री कितने टाइम्स है टू, तो मैंने यहाँ पर टू लिख दिया। टू के ऊपर पावर स्क्वायर लगी हुई है तो मैंने टू मल्टीप्लाई बाय टू लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर अब आपने मल्टीप्लाई करवाना है टू टू द फोर, फोर टू द एट। माइनस से माइनस तो ख़त्म हो गई, ठीक है, माइनस से माइनस एक माइनस कैंसिल हो गई, क्योंकि जब दो साइन मल्टीप्लाई में हो इस तरह से माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। लेकिन यहाँ पर तो एक और माइनस आ गया, ठीक है, तो माइनस से माइनस तो ये कैंसिल हो गई, लेकिन अब एक माइनस बचा वो आ जाएगा, सही है। तो ये एक माइनस से तो एक माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन एक माइनस था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन, आपका 27 आ जाएगा, मल्टीप्लाई की साइन थ्री थ्री ज़ा नाइन, टू टू ज़ा फोर। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये फोर और ये एट एक ही टेबल में आता है, फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, नाइन वन ज़ा नाइन, नाइन थ्री ज़ा, नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन, सही है। तो यहाँ पर आपके पास वन अपॉन वन बचा है, यहाँ पर टू अपॉन थ्री बचा है, वो भी माइनस का। तो आप जब इससे इसको मल्टीप्लाई कराओगे माइनस टू मल्टीप्लाई बाय वन, तो आपका आ जाएगा आंसर माइनस का टू, और थ्री मल्टीप्लाई बाय वन, तो आपका आंसर आ जाएगा थ्री। तो माइनस टू अपॉन थ्री आपका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने थर्ड पार्ट देखें इसका, इस पर लिखा हुआ है माइनस टू अपॉन थ्री, और स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्क्वायर, और फिर उसके बाद लार्ज ब्रैकेट में लिखा हुआ है हमारे पास थ्री,
अब इसको इस तरह से आपने सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पे तो पहले आप अंदर वाले सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले स्मॉल ब्रैकेट फिर उसके बाद लार्ज ब्रैकेट। पहले हम अंदर का सॉल्व करना है। पहले आपने एज इट इज सवाल उतारा, माइनस टू अपॉन थ्री लिखा हुआ है और कौन सी पावर लगी हुई है, इवन, तो बेस पॉजिटिव हो जाएगी यानी कि टू अपॉन थ्री हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपने ये किया और बाकी एज इट इज लगा दिया, पावर एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज, सही है, सब कुछ ऐसे। अब उसके बाद मैंने अलग अलग कर दिया, सही है, यानी ब्रैकेट हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, टू के ऊपर पावर टू लगा दी, थ्री के ऊपर पावर टू लगा दी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, टू के ऊपर पावर क्या लगी हुई है, टू लगी हुई है, तो अब आपने टू को कितने टाइम्स लिखना है, टू टाइम्स लिखना है। थ्री के ऊपर पावर टू है तो आपने थ्री जो है वो टू टाइम्स लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, थ्री आ जाएगा यानी, ठीक है, टू टू ज़ा फोर, थ्री थ्री ज़ा नाइन। अब इसके ऊपर पावर क्या है, थ्री, इसको थ्री के हिसाब से सॉल्व करना है, यानी कि फोर के ऊपर पावर आ जाएगी थ्री और नाइन के ऊपर आ जाएगी पावर थ्री। फोर कितने टाइम्स है, थ्री टाइम्स है, नाइन कितने टाइम्स है, थ्री टाइम्स है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाय फोर, सिक्सटी फोर, तो यहाँ पर आ जाएगा 64। और फिर उसके बाद जब नाइन को नाइन से मल्टीप्लाई कराओगे तो नाइन नाइन ज़ा 81 मल्टीप्लाई बाय नाइन, तो आपके पास आ जाएगा 729, ठीक है, ये आपका आंसर है। इसके भी आपने दोनों पार्ट करने हैं जो मैंने करवाए हैं। ये वाला सवाल आप स्किप कर दें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट पार्ट तो आप लोगों को बहुत आसान है, आप लोगों ने खुद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसका मैं सेकंड पार्ट आपको करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस दी रिजल्ट इन पावर नोटेशन। यहाँ पर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर पावर में लेकर आना है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, अच्छा फर्स्ट पार्ट आपको खुद करना है, सेकंड पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4 की पावर 6 डिवाइड बाय 3/4 की पावर 4, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले सवाल उतारने, सवाल उतारने के बाद यहाँ पर सॉल्व लिखिएगा और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अगेन क्वेश्चन उतार लेना है, 3/4 की पावर 6 डिवाइड बाय 3/4 की पावर 4। अब यहाँ पर डिवाइड हमेशा हम जब भी फ्रैक्शन में होते हैं हम डिवाइड साइन चेंज करते हैं, और डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। जब हमने मल्टीप्लाई की साइन चेंज करी तो हमारे पास पावर नेगेटिव में आ गई, ठीक है। जब भी हम मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे यहाँ पर पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी नेगेटिव में, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड में, जब ये डिवाइड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स में, 3/4 क्या हो जाएगा, इन्वर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4। अब उसके बाद हमने पढ़ा है बेसिस सेम पावर, बेस ये पावर्स ये भी, ठीक है, यानी कि 6 + -4 +-, अब 3/4 में 6 में से 4 माइनस कराओ, 3/4 बेस एक दफ़ा लिख देंगे हम, 6 में से 4 माइनस कराओगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर है, आप इसका पावर में आंसर देंगे। अगर इसमें और सिंप्लीफाई करने का बोलेंगे तो हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 3 को और 4 को 2 टाइम्स लिखेंगे, फिर हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आपने खुद करना है, सेकंड और थर्ड पार्ट आप स्किप कर दें। उसके बाद आ जाएँ आप क्वेश्चन नंबर 7 पे, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, इसका मैं आपको थर्ड पार्ट करके दिखाई हूँ। -3/4 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4 की पावर स्क्वायर वैली ब्रैकेट डिवाइड बाय 3/4 की पावर स्क्वायर ब्रैकेट 3। अच्छा, यहाँ पर देखें आपने अगेन इस तरह से सॉल्व करके सवाल लिख के सॉल्व करना है, फिर उसके बाद अगेन जो है सवाल उतार लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब भी पावर हमारे पास क्या होती है, इवन होती है, तो माइनस यानी बेस पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पर बेस क्या है, नेगेटिव, यहाँ पर बेस क्या है, नेगेटिव, हमारे पास पावर क्या है, पॉजिटिव, तो बेस हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी, हमारे पास पावर है इवन तो बेस पॉजिटिव हो जाएगी, पावर इवन है, पावर इवन है, नेगेटिव ख़त्म हुआ, ठीक है। 3/4 की पावर 4, 3/4 की पावर स्क्वायर डिवाइड 3/4 एज इट इज़। अच्छा, यहाँ पर पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो इसमें ऐड नहीं होता, जैसे 3+2 नहीं करेंगे आप, 3 × 2 करेंगे, ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 6 आ जाएगा, 3/4, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर ऐड कर दें, बेसिस सेम पावर ऐड, बेसिस सेम जब होती है जब हम एक दफ़ा बेस लेते हैं, यानी कि 3/4 मैंने एक दफ़ा लिख दिया, 4+2 इस तरह से लिख दिया, डिवाइड 3/4 एज इट इज़ आ जाएगा, 4 में 2 ऐड करो तो आपके पास क्या आएगा, 6, 3/4,
सिक्स डिवाइड थ्री अपॉन फोर सिक्स। बेसिस सेम हो गई, बेसिस सेम है, लेकिन एक मसला है क्या, ये डिवाइड, डिवाइड को चेंज करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई में, तभी तो हम बेसिस पावर ऐड करेंगे। इसको चेंज किया जब मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन इनवर्स में हो गई, ठीक है। साइन जो है माइनस में आ गई। अब जब साइन माइनस में आई तो हमें क्या करना है, आप बेसिस सेम पावर ऐड, यानी थ्री अपॉन फोर सिक्स माइनस का सिक्स, यानी कि सिक्स प्लस, ये प्लस जो है वो हमारा रूल का है और ये माइनस सिक्स ये, ठीक है, ये सिक्स और ये सिक्स, इसके अलावा ये रूल है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सिक्स में से सिक्स माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा ज़ीरो। इसके ऊपर पावर क्या है, ज़ीरो। इसके ऊपर पावर क्या है, ज़ीरो। जब भी पावर किसी नंबर के ऊपर ज़ीरो आ जाती है उसका आंसर क्या होता है, वन, वन अपॉन वन इज इक्वल्स टू वन, तो इसका आंसर आ जाएगा वन, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसका ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप स्किप कर दें, क्वेश्चन नंबर एट भी आप स्किप कर दें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन पे आ जाएं। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर नाइन, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जो है हम इसको इन्वर्स कर देंगे, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल बताएंगे कि इसका रेसिप्रोकल क्या आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले सवाल उतार लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वन अपॉन टू, ब्रैकेट में है माइनस, इसकी पावर है माइनस टू, ठीक है, डिवाइड बाय टू अपॉन थ्री, और इसकी पावर है माइनस थ्री। तो सबसे पहले आपने इस डिवाइड को चेंज करना है। जब आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखोगे तो आपने क्या करना है, ये वाली साइन, जब हम पॉजिटिव में थे नेगेटिव कर रहे थे, अब ये नेगेटिव में तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। तो टू अपॉन थ्री की पावर थ्री हो जाएगी, इसके बाद ये एज़ इट इज़। अब मुझे इसको करना है सिंप्लीफाई, नेगेटिव पावर से हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो अगर मैं इसको भी पॉजिटिव बनाना चाहूँ तो क्या करेंगे, हम इसको इन्वर्स कर देंगे। इसको अगर हम इन्वर्स करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि वन अपॉन टू है तो मैं अगर टू अपॉन वन लिखूँगी तो साइन चेंज हो जाएगी, ये टू है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कर दूँ, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, टू मल्टीप्लाई बाय टू, इसकी पावर थ्री, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, इसके बाद थ्री की पावर लगी हुई थ्री, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, और यहाँ पे वन टू टाइम्स है तो वन मल्टीप्लाई बाय वन, सही है। हमने सबको इस तरह से एक्सपेंड कर दी कि टू के ऊपर पावर टू है, तो इसलिए टू जो है वो टू टाइम, इस पर थ्री टाइम, इस पर भी थ्री टाइम, और इस पर टू टाइम। अब जब आप सब टू को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर रहेगा 32, और जब आप थ्री को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर रहेगा 27। अब इस आंसर का रेसिप्रोकल लेना है, यानी कि रेसिप्रोकल जो नीचे वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, तो आपने 27 अपॉन 32 लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका आंसर है, इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। अब आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। यहाँ पर आपने जो है इसका आंसर जो है वो नेगेटिव में आना है, यानी कि इसका जो एक्सपोनेंट आएगा वो नेगेटिव आंसर में देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4 की पावर 2, ये देखें 3/4 की पावर 2। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3/4, 4/2। फिर उसके बाद अगर इसको मुझे नेगेटिव पावर लेकर आनी है, अब इसको नेगेटिव में करने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव में होती है वो अगर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव में। जो ऊपर वाली वैल्यू है पॉजिटिव में, अगर वो नीचे जाएगी तो नेगेटिव में हो जाएगी। तो ये एक तरीका है नेगेटिव पावर करने का, ठीक है। तो हमने 3 को नीचे भेज दिया और 4 को ऊपर ले गए, तो क्या हो गया, 4/2, 3/-2, 4/-2, 3/-2। फिर उसके बाद 4/3 हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे और लिख देंगे -2, यानी कि ये इन दोनों पर है, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसका सेकंड पार्ट करना है, 3 और 4 पार्ट छोड़ दें।